टेलीविज़न एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले उनके इंजरी आ गई थी, जिसके बाद वो रेस्ट पर थे और कोई भी प्रोजेक्ट उन्होंने शूट करने से मना कर दिया था। सिद्धार्थ शुक्ला रेस्ट पर थे, ऐसे में फैंस को उनकी कोई भी नई तस्वीर या वीडियो देखने को नहीं मिली। लेकिन आज सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने सभी फैंस के लिए दो नई तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। जी हाँ, वहीं अब आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले 50 दिनों में सिद्धार्थ शुक्ला ने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जिस रिकॉर्ड को कई बॉलीवुड स्टार और तमिल स्टार नहीं बना पाए हैं। जी हाँ, एक लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, इसमें बताया गया है कि पिछले 50 दिन में कौन सा हैशटैग सबसे ज़्यादा बार ट्रेंड कराया गया इंडिया में। तो सबसे टॉप पर है हैशटैग ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3। ये 7 बार ट्रेंड कराया गया है पिछले 50 दिनों में। और ये खास बात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि शाहरुख खान की मूवी पठान का हैशटैग सिर्फ 3 बार ट्रेंड कराया गया है पिछले 50 दिनों में, और शाहरुख खान का ये हैशटैग 6 नंबर पर है, जबकि सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज़ ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3 का हैशटैग सबसे टॉप पर है। बात की जाए अगर बाकी हैशटैग की, तो 2nd नंबर पर है हैशटैग मैन ऑफ मासेस एनटीआर। 3rd नंबर पर फिल्म वली माई का हैशटैग है, जिसे 6 बार ट्रेंड कराया गया है। वहीं 4th नंबर पर वाथी कमिंग एंड 5th नंबर पर है एनटीआर 30, जिसे 4 बार ट्रेंड कराया गया है। अब आप इस सब पर क्या कहना चाहेंगे? सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज लगातार आए दिन कोई ना कोई कामयाबी का झंडा जरूर गाड़ती है और फैंस उस अपडेट के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। अगर आप क्या कहना चाहेंगे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें।